इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, खास यूट्यूबर्स के लिए या कुछ इंस्टाग्राम या कुछ फिल्म मेकर्स के लिए। व्लॉगर कैसे बनते हैं और व्लॉगिंग में क्या क्या करते हैं, व्लॉगिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए। व्लॉगर का मतलब है ब्लॉगर इन अ वीडियो फॉर्मेट। तो ये क्या होता है, ब्लॉगर इज अ इंडिविजुअल फिल्म मेकर। लाइक आई डू ट्रैवल फिल्म मेकिंग एंड बाइक एंड कार रिव्यूज फिल्म मेकिंग। सो ये होता है फिल्म मेकिंग का इन अ यूट्यूब वे एंड इन योर ओन वे, इसको बोलते हैं व्लॉगिंग। तो व्लॉगिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आप देखिए पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मेरे पास कौन से गैजेट्स हैं, कितनी सिंपल है व्लॉगिंग, इट्स नॉट दैट हार्ड। ओके, ये करने के लिए क्या क्या चाहिए, कितना एफर्ट्स लगेगा और मोटो व्लॉगिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए। पीछे देख रहे हो ना मेरा हेलमेट एंड जैकेट, तो उस हेलमेट से मोटो व्लॉगिंग कैसे करते हैं, ये सब इस वीडियो में दिखाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज योर गाइ वीआर एंड यू वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इट्स रेडी व्लॉग्स, लेट्स गो। बिफोर गेटिंग इनटू वीडियो, जस्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग, यूट्यूब चैनल पे अभी थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइबर्स अच्छे से बढ़ रहा है। तो अभी मैंने क्रॉस किया है 1200 तक कुछ, और अच्छे से इंक्रीज भी हो रहा है। मैंने केरला ट्रिप भी किया है, केरला ट्रिप नहीं पूरा साउथ इंडिया ट्रिप किया है। मैंने गया था केरला ट्रिप करने पर, किया था पूरा साउथ इंडिया। तो अभी मुझे थोड़ा सब्सक्राइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो ज़रूर कम्प्लीटली देखना क्योंकि मुझे वॉच टाइम भी इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है मेरा कंटेंट का क्वालिटी भी, जैसे आप देख रहे हो। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो राइट नाउ, थैंक यू। इनिशियली जब मैं व्लॉगिंग करना शुरू किया तब भी मुझे लिटरली कुछ भी आइडिया नहीं था कि व्लॉगिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें होते हैं उसमें। सिर्फ एक फ़ोन पकड़ के ज़्यादा तो उतना फील नहीं आता था वीडियो करने में। तो कई लोग हैं जिन लोगों को पहले से ही बहुत क्वालिटी वीडियोज़ करने का मन करता है, तो इसीलिए ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। व्लॉगिंग करने के लिए बहुत हाई एक्सपेंसेस की तरीका भी है, बहुत लो एक्सपेंसेस की तरीका भी है। तो मैं जो बताने वाला हूँ वो दोनों के बीच में है, तो मीडियम बजट में। तो कौन सी कैमराज इस्तेमाल कर सकते हैं मोटो व्लॉगिंग करने के लिए, एक्शन कैमरा से लेकर व्लॉगिंग कैमरा तक क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब मैं इसमें दिखा दूंगा। तो बैकग्राउंड में जो दिख रहा है, ये देखो ये है मेरा सोनी का कैमरा है। अभी तक मैंने जो वीडियो बनाया था वो इसमें ही बनाया था। ये है सोनी अल्फ़ा 5100 विथ 7 आर्टिशियंस लेंस। ये है मैनुअल लेंस। इसमें से मैं ऐसा बात करने के लिए जो पहली शॉट देखा था वो इससे ही करा था, जो पूरा बोके इफेक्ट देता है, बहुत क्वालिटी प्रीमियम फील देता है ये कैमरा से। तो इसके साथ मैं इस्तेमाल करता हूँ ये लेंस प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए। जैसे कि मेरा पिछले व्लॉग ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, तो उसमें जैसा इंस्टा 360 1x2 का अनबॉक्सिंग किया है वो इस लेंस में किया है, जो प्रोडक्ट्स जूम इन जूम आउट्स में अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं ऑटोमेटिक लेंस। ये है मैनुअल लेंस, और ये कुछ दूर के शॉट्स को देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका भी सैम्पल दिखा दूंगा तीनों कैमरास का। अभी आपने इसको देख लिया तो ये इस्तेमाल करूंगा अभी इंस्टा 360 को दिखाने के लिए। सो ये देखो, दिस इज़ माय इंस्टा 360 1x2, ब्यूटीफुल कैमरा फॉर एक्शन शॉट्स एंड मोटो व्लॉगिंग। अभी आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटेड लेंस, वेरी गुड ना, डिसेंट। तो इस लेंस से अभी मैं कैप्चर कर रहा हूँ ये शॉट। सो इससे मैं नॉर्मल स्टैंडिंग शॉट्स लेता हूँ कुछ अच्छी क्वालिटी दिखाने के लिए। और अभी देखो ये जो लेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ इससे ऑटो फोकस होता है। अभी मैं जो प्रोडक्ट को दिखा रहा हूँ ना इसको फोकस होता है, जब मैं हटाता हूँ मेरा फेस फोकस होता है। तो इसीलिए ये दूसरा लेंस इस्तेमाल करता हूँ जब लोगों को लगेगा इससे कि वाओ कितना प्रीमियम है, मतलब देखने में और मज़ा आता है। जूम इन जूम आउट, सो दिस इज़ ऑल द फोकस गेम, सिंपल थिंग। इसके बाद जब तुम जाते हो रोड पे तब ये बड़ा बड़ा कैमरास पकड़ के नहीं जा सकते हो बिल्कुल भी, दैट इज़ फॉर श्योर। तो तब भी हैंडी आता है हमारा इंस्टा 360 जो मैंने खरीदा है, इसका व्लॉग मैंने बनाया अच्छे से पूरा के पूरा रिव्यू। तो इनिशियली मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस लेता था विदाउट एनी क्वालिटी, बहुत गंदा था स्टार्टिंग में, पर इससे इतनी क्वालिटी बढ़ गया मेरा वीडियोज़ का, और ऑडियो क्वालिटी भी ज़बरदस्त आता है। इसमें पूरा दो कैमरा है सामने और पीछे, तो इसे पूरा 360 का व्यू कवर हो जाता है, कैप्चर हो जाता है विदाउट एनी
लैग और डिले इफ यू हैव अ गुड मेमोरी कार्ड इन इट। तो आपने देखा था ना, ऐसा करते हैं व्लॉगिंग, अभी इससे भी मैं कर रहा हूँ ना, जो भी इसको भी व्लॉगिंग ही बोलते हैं। तो मैं जैसा कि अभी इस पेड़ों को दिखा रहा हूँ अच्छे से, दिस इज़ माई गार्डन एरिया इन माई बालकनी एंड दैट इज़ माई राइनॉक्स बैग, सैडल बैग। अभी फिर से आप देख रहे हो मुझे सेल्फ। तो ऐसा करता हूँ, हैंड हेल्ड कैमरा विद अ गुड अच्छा फोकस, अच्छा क्वालिटी, MP4 रिकॉर्डिंग, 1080p रिकॉर्डिंग, नॉट 4K, बट लुक्स लाइक 4K बिकॉज ऑफ इट एनहैंसमेंट, आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज़। तो इन सब के वजह से वीडियो बहुत अच्छा निकल के आएगा बाहर। तो दोनों आपने देख लिया, स्टैंडिंग शॉट्स एंड पूरा रिव्यू शॉट्स, आई मीन क्या बोलते हैं उसको, जूम इन जूम आउट, कुछ भी जो आपको देख दिख रहा है ना, आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो ये सब ऐसे करते हैं, उसके बाद अभी हम जाएंगे मोटो व्लॉगिंग की तरफ। सो ये रहा मेरा हेलमेट, तो इससे करता हूँ मैं मोटो व्लॉगिंग। इसके उसके ऊपर मैंने माउंट कर दिया है जे माउंट, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, मेरा Insta360 माउंट हो जाएगा। और इसको मैंने कनेक्ट किया कर दिया है एक एक्सटर्नल माइक से, जो अंदर घुसा दिया मैंने पूरे के पूरा। एक हाथ से व्लॉगिंग करने का मुश्किल है, मैंने बोला ना बहुत इजी नहीं है, इजी है पर थोड़ा एफर्ट्स भी डालना पड़ेगा, इन ए लवेबल वे, प्यार से एफर्ट्स डालना पड़ेगा। तो ये है मेरा एक्सटर्नल माइक जो यहाँ पे कनेक्ट होगा Insta360 का, अभी मैं दिखा दूंगा Insta360 को भी। सो इस हेलमेट को अभी इस एक्शन कैमरा को माउंट करना है। तो ये सब आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, और हेलमेट सेटअप का पूरा के पूरा वीडियो भी मैंने बना दिया, यहाँ पे अटैच कर दूंगा, वो भी देख लीजिए। कुछ भी नहीं है, इसके स्क्रू माउंट है, देखो ये स्क्रू माउंट है ना, और इसको भी एक स्क्रू का माउंट, जे माउंट मैंने ले लिया। तो अभी कुछ भी नहीं करना, सिंपली इस माउंट को थोड़ा लूज करके आगे पुल करके यहाँ पे Insta360 को माउंट करना है, बस घुमाओ घुमाओ घुमाओ। इन सब के बाद आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी मोटो व्लॉगिंग के लिए, तुम्हारे वॉइस को कैप्चर करने के लिए। ये Insta360 है, Insta360 को ऑडियो कैप्चर करने के लिए एक्सटर्नल माइक तो लगा दिया, पर इसके लिए एडिशनली ये लेना पड़ेगा। दिस इज़ दी एक्सटर्नल माइक अडेप्टर, नॉट ओनली फॉर Insta360 पर, GoPro के लिए, DJ Osmo एक्शन के लिए, कुछ भी जो एक्शन कैमरा है उस सब के लिए अडेप्टर भी खरीदना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। तो ये है Insta360 के माइक अडेप्टर, हमें इसको कैमरा का चार्जिंग पोर्ट पे लगाना है और इसको कनेक्ट करना है। अभी जो मैं दिखाता हूँ, सिंपली घुसाना पड़ेगा, बस हो गया, ऐसा आ जाएगा। कूल, लुक्स गुड, दिस इज हाउ माय कैमरा विथ हेलमेट लुक्स लाइक। आई लव इट यार, आई लव दिस सेटअप, कितना बढ़िया दिखता है ना हेलमेट के ऊपर, VR एंड विद द Insta360 एंड विद द स्पाइडर, आई लव इट। चलो अभी इसके बाद मैं अभी थोड़ा मोटो व्लॉगिंग्स की सैम्पल भी दिखा दूंगा। तो इन सब के बाद मोटो व्लॉगिंग करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज ये हेलमेट विद माय एक्शन कैमरा, एंड उसके बाद ये टैंक बैग जो मेरा पूरा गैजेट्स इसके अंदर जाता है, लाइक दिस आई कीप एवरीथिंग इनसाइड माय टैंक बैग एंड कीप दिस टैंक बैग टू माय बाइक, बस ये दोनों चीज़ें हैं। और जब भी व्लॉगिंग खत्म हो जाता है मैं कैमरा भी निकाल के बैग के अंदर डाल देता हूँ, दैट्स इट। सो दिस इज़ हाउ आई डू, टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम जाके थोड़ा मोटो व्लॉगिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मोटो व्लॉगिंग कैसा होता है। तो गाइस अभी मैं जो दिखा रहा हूँ 329.04, दिस इज द Insta360 299.9। देखो यहाँ पे मैं लेफ्ट राइट आगे पीछे सामने सब कुछ दिखा सकता हूँ, जूम इन जूम आउट करके बहुत अच्छे से हो रहा है। లాస్ట్ టైమ్ అది మనీ కట్టాయి కదా వీళ్ళ దగ్గర, రాలే ఇప్పటికి మీ గైస్ జసకి మేనే బతాయా, ఐ యామ్ బ్యాక్ టు మై మోటో వ్లాగింగ్ సెటప్ విత్ మై Insta360 అండ్ ఎక్స్టర్నల్ మైక్. తో మేరా దోస్త్ ఆర్ మే బహార్ జా రహే కుచ్ కామ్ పే, సోచా మేనే థోడా ఏసా మోటో వ్లాగింగ్ భీ కర్కే దికా దూంగా ఆప్కో. స్క్విడ్ ऐसा दिखता है मोटो व्लॉगिंग. तो उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग मेकिंग योर फिल्म यू जस्ट हैव टू टेक द पे वीडियोज़ ऑफ योर सेल्फ व्लॉग
मोटो व्लॉग एंड सिनेमैटिक शॉट्स, तीनों मिला के यू हैव टू कीप इट एडिटेड। सो एडिटिंग करने के बाद ऑब्वियसली ये जो वीडियो आप देख रहे हो यही पूरा एग्जांपल है आपको मोटो व्लॉगिंग कैसा करते हैं बोल के। दिस इज कंप्लीट व्लॉग फिल्म मेकिंग, लाइक आई डिड इट ऑन हाउ टू मेक व्लॉग, व्लॉग के ऊपर ही। सो दैट्स टोटली गुड। तो आप देख के बता दीजिए कैसा लग रहा है ये मोटो व्लॉगिंग सेटअप। और 360 एंगल में भी थोड़ा एक दो वीडियोस क्लिक किया, उसको भी एडिट करके इसके बाद डाल दूंगा, तो भी देख लीजिए। एंड दिस विल बी द एंड ऑफ माय मोटो व्लॉग। और मैं कैमरा निकाल के बैग के अंदर रख दूंगा अभी और मेरा काम मैं कर लूंगा। तो इन सब के बाद अभी आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग ऑफ व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल के लिए, एडिटिंग। तो एडिटिंग करने के लिए भी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू हैव इंस्टा 360 एंड दिस काइंड ऑफ गैजेट्स लाइक कैमरा एंड मोबाइल फ़ोन, जो भी वीडियो सारे रहते हैं। एडिटिंग करना भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट एडिटिंग यू वुड से दैट यू आर टेकिंग द वीडियो एंड यू आर नॉट अपलोडिंग इट, सो इट डजंट मेक सेंस। सो यू नीड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एडिटिंग। वन इज ऑब्वियसली दिस ऐप which I'm opening now, Adobe Premiere Pro. So, जो कुछ भी क्लिप्स आपके पास है वो सब लैपटॉप के अंदर डाल दीजिए, इसमें सिंपल का सिंपल एडिटिंग हो जाएगा। तो मैंने रिसेंटली एडिट किया है वही वीडियो इंस्टा 360 का। तो ये देखो इतना सारा क्लिप्स इम्पोर्ट करना पड़ेगा पहले से। देखो इंस्टा 1, इंस्टा 2, जो कुछ भी नाम्स मैंने रखा है उन सब क्लिप्स को। सो ये सब क्लिप्स से मैंने एडिटिंग कर दिया और सब वीडियोस क्लिप्स भी डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे दिखता नहीं है। सो सिंपली इंपोर्ट कर दीजिए और एंड स्टार्ट योर एडिटिंग। और अगर आपके पास इंस्टा 360 है तो यू शुड डेफिनेटली हैव इंस्टा 360 स्टूडियो 2022 की ऐप। तो इसमें जो भी वीडियोस आपने क्लिक किया है उस सबको आप यहाँ पर ओपन करके एडिट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ आई डिलीटेड एवरीथिंग, कुछ भी बचा नहीं है। सो इसमें यहाँ पे इंपोर्ट कर दीजिए सिंपली और यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। इफ़ इट इज़ ए 360 वीडियो यू कैन एडिट इट एवरीवेयर इन हियर, लाइक इन एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट यू वांट। कट कर सकते हो, वीडियो रोटेट कर सकते हो पूरा 360 की तरह, सब के सब इसमें हो जाएगा भाई। सो दीज आर द मोस्ट टू इम्पॉर्टेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर यू नीड if you are vlogging with Insta 360 and Sony Alpha and mobile phones, everything. और बहुत सारे softwares भी हैं but I recommend Premiere Pro. You will get professional on it and you will have tons of features in it. तो आपने देख चुका है कितनी कितनी efforts लगाना पड़ता है गाड़ी चलाते हुए, कैमरा लगा के vlog करना और ये सब कैमरा होल्ड करना tripod से और cameras lenses इंटरचेंज करना, वो लगाना ये लगाना, बहुत कुछ दम करता है। but yeah, if you like to do this, you will love to do this. So personally, बहुत creative भी होना ज़रूरी पड़ता है, ज़रूरी होता है। तो creativeness की कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए आपके पास। You have so many things to do, yeah, come on. That's easy, that I cannot tell that. So आप मेरा videos में देखो, मैं बहुत कभी कभी एक एक time पर एक एक छोटी छोटी comedy funny scenes ये भी include करता रहता हूँ videos में, तो वो भी आप notice कर लीजिए और देखिए clips में। उसके बाद nothing much, एडिटिंग पे आपका कमाल दिखा दीजिए। यू हैव टू लर्न, इट विल टेक टाइम, स्लोली प्रोग्रेस होता रहता है, बट दीज आर द थिंग्स विच आई पर्सनली यूज़ एंड यू कैन ऑल्सो यूज़। बहुत चीप प्राइस है, नॉट वेरी कॉस्टली लाइक प्रोफेशनल सोनी अल्फा A7S3, A7S2 Mark II समथिंग, कैनन निकान, इतना बड़ा कैमराज नहीं चाहिए मेरा मुझे। इतना सिंपल सा सेटअप है। इंस्टा 360 तो ऑब्वियसली कॉस्टली है, 40,000 का कुछ आता है। एंड ये कैमरा तो मैंने लिया है सेकेंड्स में फॉर 35,000 एंड लेंस कॉस्टेड मी अराउंड अगेन लाइक 30,000-60,000। पूरा 1,00,000-1,00,000 में पूरा सेटअप हो जाएगा आसानी से। या मोटो व्लॉगिंग कर सकते हो, अगर मोटो व्लॉगिंग नहीं करना चाहिए तो सिंपली कैमरा पकड़ो, इंस्टा 360 उसमें लगाओ और घुमाओ, ये सारा जो मैं करता रहता हूँ जो आपको वीडियोज़ में दिखाया था। तो या दैट्स इट, नथिंग मच। इससे ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है भी नहीं है, इतना सिंपल है। वीडियो क्लिक करना, क्रिएटिव होना और एडिटिंग करना, बस। होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ दिस इज़ हेल्पफुल, दिस इज़ इन्फॉर्मेटिव, यू नो वॉट टू डू, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यू नो द नेम, विष्णु रेड्डी ब्लॉग्स। बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट वन।
It's caught in the crossfire.